वाला साहब, राजा साहब भोली वाला जा रहा है करके बगीचे की तरफ। कौन है वो, बुला कर लाओ उसको। ओ भाई भोली वाले, राजा साहब ने बुलाया है तुम्हें, चलो। इधर आ गोली वाला, कहाँ लेकर जा रहा था इसको? बेचने जा रहे थे। इसको खिलाता पिलाता नहीं है कुछ? एक धक्का मारेंगे तो गिर जाएगी, इसको कौन खरीदेगा? इसे और इसे तुम खरीद भी नहीं पाओ। कितने रुपए लेगा इसको? 5 लाख। 5 लाख? हाँ। इसमें क्या खासियत है? इसमें खासियत जो इस पे बैठता है उसे मालूम है। क्या मालूम होगा इस पे बैठने से? जो झूठ ना हो, झूठ ना हो, मक्कार ना हो, वो इस पे बैठेगा उसे डायरेक्ट मक्का मदीना दिखाएगा। ये बात तेरी सच है? बिल्कुल। अगर आपको यकीन ना हो तो बैठ के देख ले। मगर राजा साहब, इनका कहना ये है, झूठा बेईमान चोर ना हो, वो इस पे बैठे उसे मक्का मदीना दिखेगा। अच्छा, तो पहले मैं नहीं, मेरा वजीर बैठेगा। चल भाई वजीर, बैठ घोड़े पे। मुझे तो दूर दूर तक यहाँ तक कुछ भी नहीं दिख रहा है। क्या दिख रहा है बजी? अगर मैंने सच बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं दिख रहा है और राजा साहब मुझे चोर समझेंगे, वो तो मैं हूँ ही, और जनता मुझे चोर मक्कार समझेगी और पागल समझेगी और मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। इसलिए मुझे झूठी बोलना पड़ेगा कि मुझे मक्का मदीना दिख रहा है। बोलना बजीर, क्या दिख रहा है? महाराज, इधर मक्का चमक रहा है, इधर मदीना चमक रहा है। तुम उतरो, अब हम बैठेंगे, अब हम देखेंगे मक्का मदीना। वजीर तो बोल रहा था कि मुझे मक्का मदीना दिख रहा है, पर मुझे तो कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है। अगर मैंने बोल दिया कि मुझे कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो जनता मुझे चोर, झूठा, मक्कार समझेगी। इसलिए मैं बोल दूंगा मुझे मक्का मदीना दिख रहा है। क्या राजा साहब मक्का मदीना दिखा? हाँ, वो मक्का दिख रहा है, वो मदीना दिख रहा है। वजीर, घोड़ी पकड़ो और महल लेके चलो, और तुम्हारे पैसे कल तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। जाओ हुकुम महाराज। चलो गाइस, फाइनली अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक। मिलते हैं हम एक और अच्छी नई वीडियो के साथ।